नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार कांग्रेस के दो बड़े नेता हुए कोरोना संक्रमित, जाप के कई नेता थामेंगे आरजेडी का हाथ। पटना में आज से दोबारा बनेंगे कंटेनमेंट जोन। पूर्व क्रिकेटर ने बताया मुंबई इंडियंस को बेस्ट टीम। जीतनराम मांझी की पुरानी चिट्ठी हुई वायरल, तो चलिए जानते हैं अब खबरें विस्तार से। लाखों रुपए की हॉप शूट्स की खेती करने वाले का दावा हुआ फेल। सूबे बिहार में पिछले दिनों औरंगाबाद जिले के नवीनगर के करमडीह गांव निवासी युवक अमरेश सिंह द्वारा विश्व की सबसे महंगी सब्जी हॉप शूट्स की खेती करने का दावा किया गया था, जिसके बाद यह खबर आग की तरह फैलते हुए सोशल मीडिया सहित आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई थी। मगर इस खबर की सच्चाई पर अब सवाल उठने लगे हैं। दैनिक जागरण अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी कोई खेती और सब्जी नहीं मिली है। कृषि अधिकारी इसे देखने जब गांव पहुंचे तो वहां ऐसी कोई खेती नहीं मिली। वही स्थानीय लोगों ने भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं होने की बात कही है। वही अमरेश ने अखबार के संपर्क करने पर खुद को बीमार होने की बात कहते हुए बताया कि उनका इलाज दिल्ली में चल रहा है। इस रिपोर्ट के आने के बाद औरंगाबाद जिला कृषि कार्यालय के अधिकारी इस पर रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। फिलहाल अमरेश के हॉप शूट्स की खेती करने के दावे की उच्च स्तरीय जाँच हो रही है। फर्जी खेती का मामला निकलने पर कार्रवाई की जाएगी। गाँव गाँव तक पंचायती राज विभाग पहुँचा रही है बुनियादी सुविधाएं। राज्य के हर घर तक पंचायती राज विभाग ने बुनियादी सुविधाएं पहुंचा रही है। इस बात का दावा बिहार भाजपा के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने किया है। आने वाले समय में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत पंचायती राज विभाग के माध्यम से 4291 ग्राम पंचायतों के 58107 वार्डो में योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है, जिसमें से अब तक 56139 से अधिक वार्डो में काम पूरा हो चुका है। वहीं साल 2025 तक आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय कार्यक्रम के तहत स्वच्छ गांव समृद्ध गांव निश्चय के अंतर्गत सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जाने, नगर निकाय के तर्ज पर गांव को विकसित करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बस पड़ाव, सम्राट अशोक भवन का निर्माण बेल्ट्रोन के माध्यम से उनके मानक के अनुरूप सीसीटीवी कैमरा अधिस्थापन किए जाने, पार्क में ओपन जिम, खेल का मैदान आदि योजनाओं पर काम पूरा किया जाएगा। बिहार में कोरोना के मिले 662 नए मामले। बिहार में कोरोना की बढ़ती रफ्तार लोगों को सहमा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 662 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रभावित टॉप 3 जिलों की बात करें तो राजधानी पटना बीते 48 घंटे में हॉटस्पॉट बन चुका है। पटना में सबसे अधिक 287 कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही गया में 35 और भागलपुर में 31 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 204 मरीज ठीक हो गए हैं, जिसके बाद ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2,62,733 पर पहुंच गई है। वही एक्टिव मरीजों की संख्या 2,363 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम रिकवरी दर की बात करें तो यह 98.52% है। अब आइए जानते हैं राज्य के मौसम का हाल। बिहार में आज से पुरवैया का प्रभाव दिख सकता है। हालांकि इन दिनों मौसम शुष्क है, मगर पूर्वा हवा के बहने से अगले 1-2 दिनों में नमी की स्थिति हो सकती है। बीते दिन 24 घंटे में अपेक्षा से अधिक गर्मी बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी है। पटना, गया, भागलपुर समेत अन्य शहरों में तापमान में 2 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं पटना का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि भागलपुर सबसे गर्म शहर रहा, जहां तापमान 39 डिग्री सेल्सियस को रिकॉर्ड किया गया। हालांकि आज से पूर्वा के प्रभाव होने के कारण अधिकतम पारे में कमी होने के आसार है। बाढ़ से निपटने के लिए अभी से तैयार है बिहार सरकार। हर साल राज्य के लोगों को बाढ़ का दंश झेलना पड़ता है। खासकर नेपाल से कोसी बराज के जरिए पानी छोड़ने के बाद स्थिति और भी गंभीर बन जाती है। इसे लेकर सरकार अभी से ही बाढ़ पूर्व तैयारियों में जुट गई है। इस क्रम में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने सुपौल के वीरपुर पहुंचकर कोसी तटबंध के पश्चिमी इलाकों का निरीक्षण किया। इसके साथ ही नेपाल के क्षेत्र में आने वाले जगहों का भी बारीकी से जायजा लिया। इस दौरान कार्य की गुणवत्ता पर मंत्री ने असंतोष जताते हुए वहां मौजूद इंजीनियरों की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मंत्री कोसी बराज पहुंचकर वहां के सभी फाटकों का भी फिजिकल वेरिफिकेशन किया और कहा कि कोसी तटबंध पूरी तरह से नियंत्रण में है और आने वाले समय में किसी अनहोनी की संभावना नहीं है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे रामनाथ गोयनका के बारे में। रामनाथ गोयनका का जन्म आज ही के दिन 3 अप्रैल को साल 1904 में हुआ था। बिहार के दरभंगा में जन्मे रामनाथ गोयनका भारत के मीडिया दिग्गज और पक्के राष्ट्रवादी के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में कांग्रेस की तरफ से भाग लिया था, तो वहीं इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल का जमकर विरोध भी किया था। 1932 में रामनाथ गोयनका ने इंडियन एक्सप्रेस को लॉन्च किया था। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की स्थापना की थी। इंडिया टुडे पत्रिका ने वर्ष 2000 में बिहार के इस लाल को भारत को बनाने वाले 100 लोगों की सूची में रखा था। आपको ये भी बता दें कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हर साल उनके नाम से रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया जाता है। बिहार कांग्रेस के दो बड़े नेता आए कोरोना महामारी की चपेट में। बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। उनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव
सीवाई है। दोनों ही नेताओं ने खुद को होम आइसोलेट कर लिया है। 3 दिन पहले भक्त चरण दास की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शुक्रवार को मदन मोहन झा की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने अपने से मिलने वाले करीबी लोगों से भी कोरोना जांच कराने की अपील की है। इसके साथ ही सतर्कता बरतने की बात कही है। बता दें कि 5 अप्रैल को किसान बिल पर कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे बिहार में धरना देने वाले हैं। इस कार्यक्रम में भक्त चरण दास और मदन मोहन झा भी शामिल होने वाले थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव होने के कारण अब वे धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हो पाएंगे। आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने लिखी रेल मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के नाम एक पत्र लिखकर आरजेडी से सांसद मनोज झा ने IRCTC के हॉस्पिटैलिटी सुपरवाइजर्स के अनुबंध का रेन्यूअल नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं और कहा कि इन अनुबंधित कर्मचारियों ने COVID-19 महामारी के चरम पर होने के दौरान अपनी सेवाएं दी और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भी हर तरह के प्रबंधन की जिम्मेवारी निभाई, मगर अब IRCTC के अधिकारी इन कर्मचारियों को नई नौकरी ढूंढने को कह रहे हैं, जो कि बहुत दुख की बात है। दरअसल IRCTC का कहना है कि इन कर्मचारियों को 2 साल के अनुबंध पर रखा गया था, जो कि अब पूरा होने वाला है, मगर इन कर्मचारियों के पास मैनेजमेंट की डिग्री है और ये पूरी तरह प्रशिक्षित है। इसलिए पत्र में रेल मंत्री से इस मामले में ध्यान देते हुए IRCTC से जुड़े सैकड़ों पर्यवेक्षकों की नौकरी बचाने की अपील की गई है। जहरीली शराब के मामले पर तेजस्वी ने साधा निशाना। बिहार में शराबबंदी के दौरान जहरीली शराब बेचे जाने का मुद्दा गहराता जा रहा है और इसे लेकर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री कितने भोले और अनजान है। 4 दिन पहले ही जहरीली शराब पीने से राज्य भर में 19 मौतें हो गई हैं, मगर CM नीतीश कुमार अभी भी जानकारी ही जुटा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना के बाद से किसी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण जहरीली शराब को बताया जा रहा है, लेकिन प्रशासन इसे महज संयोग बता रही है। वहीं तेजस्वी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ही खुद शराब बनाने और बिकवाने में मिले हुए हैं। पटना में आज से बनेंगे कंटेनमेंट जोन। सूबे में कोरोना संक्रमितों के ग्राफ में उछाल देखने को मिल रहा है। पटना में बीते दिन कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद सबसे ज्यादा 287 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से प्रशासन ने ठोस कदम उठाने का फैसला किया है। इसके तहत आज से दोबारा शहर में कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे। जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाने पर विचार किया जा रहा है उनमें शास्त्री नगर, पत्रकार नगर, रूपसपुर और फुलवारी शरीफ शामिल है। इसके अलावा जिन इलाकों में अधिक केस मिले हैं उनमें कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, बोरिंग रोड के इलाके हैं। इसे लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग यहां सर्वे करा रहा है, जिसके आधार पर ही प्रभावित इलाकों में कंटेनमेंट जोन चिन्हित किए जाएंगे और उन इलाकों में बैरिकेडिंग की जाएगी। वहीं पटना में नए मामलों में बच्चे भी संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद अभिभावक स्कूल बंद करवाने की मांग कर रहे हैं। जन अधिकार पार्टी के कई नेता होंगे राजद में शामिल। चुनाव के बाद से ही बिहार में नेताओं के दल बदलने का सिलसिला जारी है। एक तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन अपनी पार्टी को खत्म करते हुए नीतीश कुमार का हाथ थाम लिया था, तो वहीं अब राजद भी इसी रेस में आ गई है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव के अभियान से जाप के पप्पू यादव को गहरा झटका लगा है। दरअसल जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव श्रवण कुमार सिंह उर्फ भोला एवं युवा जाप के प्रदेश अध्यक्ष निरंजन पांडे समेत कई नेता आज राजद की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इसके तहत कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित कर इन जाप नेताओं को सदस्यता दिलाई जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पुरानी चिट्ठी हो रही है वायरल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा एक पुराना पत्र काफी वायरल हो रहा है। इस पत्र में उन्होंने सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ाने की मांग की थी। कुछ महीने पहले के इस पत्र की शुरुआत में लिखा है कि मेरी कामना है कि आप पूर्व मुख्यमंत्री नहीं हो, पर पूर्व मुख्यमंत्रियों की जो सुविधाएं उपलब्ध थी वह न्यायालय के आदेश के कारण रद्द कर दी गई है। इससे पूर्व मुख्यमंत्रियों को काफी परेशानी हो रही है और जान माल का खतरा भी बना रहता है। इसके साथ ही उन्होंने 15 साल तक मुफ्त आवास, Z+ श्रेणी की सुरक्षा, 5,00,000 रुपए तक यात्रा सुविधा और मुफ्त इलाज की सुविधा की मांग भी की थी। जदयू किसान प्रकोष्ठ ने जारी की जिलाध्यक्षों और लोकसभा प्रभारियों की सूची। दक्षिण बिहार जदयू किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष नंद किशोर कुशवाहा ने जिलाध्यक्षों व लोकसभा प्रभारियों की सूची जारी कर दी है। इसके तहत बांका, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, बाढ़, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, भागलपुर, नवगछिया, बेगूसराय तथा खगड़िया में नए जिलाध्यक्षों के नामों की सूची जारी कर दी गई है। इसके अलावा इन सभी जिलों में लोकसभा प्रभारियों को भी चुना गया है। इसके साथ ही किसानों के हित काम करने के लिए सभी नए लोकसभा प्रभारियों और जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है।
पार्थिव ने बताया मुंबई इंडियंस को बेस्ट प्लेइंग 11 वाली टीम। भारतीय टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल ने स्टार स्पोर्ट्स के एक शो पर बात करते हुए आईपीएल के 14वें सीजन में मुंबई इंडियंस की टीम को बेस्ट बताया है। उन्होंने कहा कि मुंबई इंडियंस के पास टीम में बेस्ट 11 खिलाड़ी मौजूद है। इसके लिए टीम को फर्क नहीं पड़ता है कि वो मैच किस मैदान पर खेल रहे हैं, चाहे घरेलू मैदान हो या चेन्नई में मैच खेला जाना हो। रोहित शर्मा की अगुवाई में यह टीम पूरे टूर्नामेंट में अपने प्लेइंग 11 के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करेगी। आपको बता दें कि आईपीएल 2021 की शुरुआत 9 अप्रैल से होने वाली है और पहला मैच चेन्नई के मैदान में मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बीच खेला जाएगा। अजय देवगन की जन्मदिन पर काजोल का पोस्ट हुआ वायरल। बीते दिन बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन का जन्मदिन था और इस खास मौके पर पत्नी काजोल का किया हुआ एक पोस्ट अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल काजोल ने अजय देवगन की एक फोटो शेयर की है जिसमें अजय कैमरा के डिस्प्ले को देखते हुए नजर आ रहे हैं और इस फोटो को देखकर लग रहा है कि वो सेल्फी ले रहे हैं। तस्वीर को शेयर करते हुए काजोल ने एक प्यार भरी शिकायत भी की है। काजोल ने लिखा कि मैंने सेल्फी लेने की कोशिश की लेकिन जो इकलौती सेल्फी मैं ले पाई वो दूसरे कैमरे के साथ उनकी खुद की तस्वीर है। वहीं अजय देवगन ने भी काफी प्यारा जवाब दिया। अजय ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हम जल्द ही वो सेल्फी लेंगे जिसे अब तक नहीं ले सके हैं। इस पोस्ट को उनके फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बढ़ते हुए कोरोना केसेस को देखकर देश में वर्तमान में होने वाले किन किन आयोजनों पर रोक लगा देना चाहिए? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार से जुड़े खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।